मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो टाइम इंसान बचाता है ना आराम के लिए, उस टाइम में बेपनाह सुस्ती उसे घेर लेती है। हम छोटे होते थे, बचपन में स्कूल से एक छुट्टी करते थे, फिर दूसरी करने को भी दिल करता था, दूसरी करते थे फिर तीसरी करने को भी दिल करता था। गाड़ी उसी का नाम है जो चलती रहे, ड्यूटी उसी का नाम है जो हमेशा की जाए। जिंदगी में मुसलसल जद्दोजहद करेंगे, मुसलसल काम करेंगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप महसूस करेंगे कि आपका वजूद जो है वो बड़ी सलाहियतों वाला है, वो बेकार नहीं है। मुसलसल काम। आप अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें, सहाबा की ज़िंदगियां देखें, अहले बैत की देखें, औलिया अल्लाह की देखें, बुजुर्गान दीन की देखें, आप देखें कि उन्होंने काम कितना कितना बड़ा किया है। हम कभी उनको पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यार इतने मुख्तसर वक्त में इतना ज़्यादा काम तो मुमकिन ही नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 किताब लिख दी, इमाम बुखारी ने पूरी दुनिया में घूम कर अहादीस जमा करके एक जगह पर इकट्ठी कर दी, और फिर उसूल वजा कर दिए हदीस पाक के हदीस किस तरह कबूल की जाएगी, फिर उसमें फ़र्क कर दिया कि सही कौन सी है, मुतवातर कौन सी है, हसन कौन सी है, ज़ईफ कौन सी है, मौजू हो तो फिर उसके कायदे क्या हैं। इतना काम बुजुर्गों ने कर दिया, जद्दोजहद थी जिंदगी में, मुसलसल ड्यूटी करते थे। जब मुसलसल काम करते हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मेहनत करे, कोशिश करे और शाम को थक के सो जाए, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। तो चलते रहें, जद्दोजहद करें, हिम्मत करें, कोशिश करें। कभी कभी यूं होता है कि इंसान समझता है कि मैंने कोशिश तो की थी लेकिन यार ये मेरे कोशिश करने से कोई नतीजा नहीं निकला। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शहर ऐसा था जिसमें एक बीमारी बार बार हमला करती थी, तो 3-4 पहाड़ियां एक दूसरे के ऊपर थी, इकट्ठे पहाड़ बने हुए थे, उसके ऊपर वो जड़ी बूटी थी जिससे उस बीमारी का इलाज होता था। तो कई हकीमों ने बताया कि अगर वो जड़ी बूटी हासिल कर ली जाए तो तुम्हारे शहर के लोग सेहतयाब हो सकते हैं, पर वो 4 पहाड़ियाँ ऊपर नीचे और फिर ढलान बड़ी सीधी थी, जो पैर रखता फिसल जाता, कोई जुर्रत ही ना करता ऊपर जाने की, लेकिन लोग बीमार थे, तकलीफ में थे। बिलाखर एक शख्स ने इरादा किया कि कब तक लोगों को बीमारी से सिसकते तड़पते मरते देखता रहूँगा। उसने कुल्हाड़ा उठाया, हथौड़ा उठाया, पहाड़ काटना शुरू किया कि मैं सीढ़ियां बनाऊंगा ऊपर जाने के लिए। फरमाते हैं कि वो पहाड़ काट रहा था तो जो करीब आते थे ना, वो उसे कहते थे पागल हो गया तू, तू अकेला बंदा कैसे पहाड़ काटेगा, बेवकूफ है, छोड़ दे। उसने कहा यार तुम साथ नहीं चल सकते तो हौसला शिकनी तो ना करो, मुझे कुछ करने तो दो। सालों लग गए, एक पहाड़ काट के सीढ़ियां बनाई उसने, फिर दूसरा पहाड़ शुरू किया, फिर सालों लग गए और 2 पहाड़ काटे थे, बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब चूंकि सीढ़ियां बन गई थी तो 2 पहाड़ कट गए थे, वहां तक लोग आने जाने लगे थे, ऐन उस वक्त जब वो दुनिया से जा रहा था फिर भी कुछ लोग हौसला शिकनी कर रहे थे। उसे कह रहे थे खुदा के बंदे क्या नतीजा निकला। कुछ लोगों की ड्यूटी होती है अपोजिशन का किरदार अदा करना, वो हर मौके पर हौसला शिकनी करते। अब उस पर आखिरी वक्त आ गया है, बावजूद उसके कुछ लोगों ने जाके कहा क्या नतीजा निकला जी, तेरे ऊपर मौत का वक्त आ गया है, तू ऊपर तक तो जा नहीं सका, फायदा क्या हुआ। वो कहने लगा बेवकूफो तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब होके जा रहा हूं। उन्होंने कहा किस तरह। कहने लगा मैंने आधा सफ़र आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा ना उसे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, मैंने आधा सफ़र उसके लिए आसान कर दिया। वो तीसरे पहाड़ से शुरू करेगा, 2 काटेगा तो जड़ी बूटी तक पहुंच जाएगा, लोगों को शिफा होने लगेगी अल्लाह के फजल से। हम पता क्या करते हैं, बिलखसूस मेरे वतन का रिवाज यह है कि लोग आधा सफ़र भी आसान करने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं सारा ही फलाना करेगा। जितने अंबिया दुनिया में आए ना मेरे दोस्तों, वो सारे कामयाब गए, लेकिन किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 10, किसी के साथ 100, किसी के साथ 200, लेकिन नबी कामयाब गए। क्यों?
कि अल्लाह ताला ने जो उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम दिए। उस ड्यूटी में उन्होंने कभी कोई कमी दिखाई तो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करें, काम करें, बैठकर सिर्फ बात ना करें, तनकीद ना करें, बैठकर सिर्फ मनसूबा बंदी ना करें। और मेरे मुल्क में बिलखसूस ये काम होता है, तबसरे करो, चैनल खोलो, तनकीद करो, अंदर की खबर लेके आओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई नई स्टोरी बनाओ, लेकिन काम ना करो। बड़ी खूबसूरत बात की शायर ने, उसने कहा, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लोग तालीम नहीं हासिल कर रहे तो भाई आप एक बच्चे का खर्च उठा लें, किसी गरीब का आप उसे पढ़ा दें, एक बंदा तो आपकी वजह से तालीम याफ्ता हो जाए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूखों मर गए लोग, हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, आप 10 बंदों की जिम्मेदारी उठा लें, आप गरीबों को देख लें, 10 लोगों के घर में आप खाना पहुंचाना शुरू करें। और ये होता रहा है, लोग ये काम करते रहे, ये ड्यूटियां हमारे बुजुर्गों ने सर अंजाम दी हैं, दो दो करके, चार चार करके, छः छः करके उन्होंने काम किया है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मुसलसल काम करें, मुसलसल जद्दोजहद करें, मुसलसल ड्यूटी करें। और फिर मेरी तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह आप अपने अपने घर में आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर आप जिम्मेदारी अदा नहीं ना करते तो एहतजाज होता है, माँ को टाइम नहीं देते तो माँ भी एहतजाज करती है, घर वाली को टाइम नहीं देते तो वो भी एहतजाज करती है, दोस्तों को वक्त नहीं देते तो वो भी उसका शिकवा करते हैं। तो आपके जिम्मे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप पढ़ाते हैं, क्लास में वक्त पे नहीं आते तो उसका इजहार किया जाता है, हमने अपने अपने जिम्मे जो जिम्मेदारियां ली हैं पूरी करते हैं। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, एक एक ड्यूटी दीन की भी अपने जिम्मे लें, एक एक ड्यूटी, एक काम अपने जिम्मे ले लें। आप अपने अपने इलाके की मस्जिद में झाड़ू देने की ड्यूटी ले लें, आप ये जिम्मेदारी ले लें कि मैं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं हफ्ते के बाद मस्जिद में जाऊंगा और कुरान मजीद को मैं साफ करके झाड़ पूंछ के तरतीब के साथ मुरतब करूंगा। मुझे अगर नाजरा कुरान मजीद ठीक पढ़ना आता है तो मैं 10-11 बच्चों का रोज सबक सुनूंगा, आगे पढ़ाऊंगा।